गाइस पूरा सेटअप रेडी है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे माइंड में आई थी। ये चीज मैं सेम एप्पल के लिए भी कर चुका हूं और ओप्पो के लिए भी कर चुका हूं। अब बारी आती है शाओमी की और आप लोग को आइडिया नहीं है कि शाओमी कितने सारे प्रोडक्ट है, तो ये पार्ट वन है इस वीडियो का। और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी गैजेट के बारे में जानना हो तो आप नीचे चैप्टर्स में देख सकते हो, सबके नाम मैंने डाल दिए। और हाँ, वीडियो को डालने के एक घंटे तक मैं जो सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, ये है Xiaomi का लैपटॉप और ये मेरे पास स्पेसिफिकली होराइजन एडिशन है। और इसका मतलब मेरे पास जो है 60,000 वाला है i7 प्रोसेसर के साथ। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्कुल लाइट वेट लैपटॉप है और ये बात अच्छी बन जाती है। और ओवरऑल ये जो है बिल्कुल मस्त रहता है यार। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है पिछले 9 महीने से और 9 महीने मैंने एक चीज़ देखी है कि एक तो इसकी बैटरी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है। 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप दे देता है अगर मैं नॉर्मल टास्क परफॉर्म करता हूँ। इसके अंदर ज़्यादातर तो ब्राउजिंग ही होती है, तो ऐसे केस के अंदर बहुत अच्छा है। और ऊपर से जो वेबकैम मिलता है इसके साथ, अलग से मिलता है, इसके अंदर वेबकैम है नहीं गाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और जो SSD वगैरह लगी हुई है वो बिल्कुल भी अभी तक यार लैपटॉप ऐसा नहीं कहूँगा मैं स्लो हो गया है। बस मैं एक ही कमी निकालना चाहूँगा कि इसके स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं और फटे फटे भी महसूस होते हैं। तो ये इन शॉर्ट अच्छा लैपटॉप है, अगर आप Xiaomi की तरफ देखना चाहते हो तो मेरे को पसंद आया। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है ना गाइस, तो मैं रेगुलरली बनाता रहता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक करो यार, काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है मी स्मार्ट स्पीकर। 4,000 रुपये इसका प्राइस है, मैंने 3,500 में खरीदा था और सारी टीम को दिलाया था। मुझे ये प्रोडक्ट मतलब पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने अपने घर में बिल्कुल अपने बेड के साथ में इसको रखा हुआ है। एक तो भाई ये अलार्म में इसमें सेट कर रखा है, बहुत तेज बजता है और मुझे गाने सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। और गाइस इसके स्पीकर्स मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। मैं कह सकता हूं कि ये सुपर वैल्यू फॉर मनी गैजेट है, क्योंकि मैं जो हूं टेकी बंदा हूं तो मैंने बहुत सारी चीजें जो है स्मार्ट बना रखी है, तो इस गूगल असिस्टेंट के थ्रू मैं मतलब कर लेता हूं। काफी अच्छा परफॉर्म करता है यार ये, और 4,000 रुपए में तो बिल्कुल स्टील डील है, मतलब रिकमेंडेड है आप अगर खरीदना चाहो तो। अब थर्ड नंबर पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं मैं आप लोग को, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हाई टाइम है। इसको देखो, ये सच में भाई कितना पोर्टेबल है, आप लोग देख लो। और ये एक एयर कंप्रेसर है, इसका मतलब अगर आप अपनी फुटबॉल में हवा भरना चाहते हो या फिर आपका टायर जो है थोड़ा सा फ्लैट हो गया और आपको एक बैकअप के लिए उसमें हवा भरनी है, तो गाइज आप इससे भर सकते हो। और ये बहुत ही कमाल का गैजेट बन जाता है और मैंने इसको अभी तक मेरी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं आई कि मुझे इसको यूज करना पड़े कार में या किसी स्कूटी में, लेकिन मैंने इसको जो है फुटबॉल वगैरह के लिए यूज किया हुआ है। और एक बात बता देता हूँ, इसका सेकेंड यूज केस भी है कि ये एक पावर बैंक की तरह काम आ जाता है। तो भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, मतलब जनरली ऐसे गैजेट नहीं आते मार्केट में जो कि लाइफ को इतनी सही तरीके से मतलब फिट हो जाए, मुझे ये अच्छा लगा। तो आप इसको 100% चेकआउट करना गाइस, Xiaomi चीज़ें कई के बार बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट, और ये है Xiaomi के सुपर बेस हेडफोन्स। 1,800 रुपये के आते हैं और क्या वेस्ट ऑफ मनी लगा था यार मेरे को ये, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता है कितने बुरे साउंड करते हैं। बस हाँ, इसका बैटरी लाइफ मैं बोल सकता हूँ अच्छा है, लेकिन बाकी मैं इसको सच में झेल नहीं पाया। इनफैक्ट ये बहुत अनकंफर्टेबल भी है अगर मैं लॉन्ग टर्म तक यूज़ करता हूँ, तो मैं इनको कुछ खास रिकमेंड नहीं कर सकता। बस हाँ, अगर आपको 1,800 रुपये खर्च नहीं है तो ऐसे नेक बैंड पर खर्चो, ये ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अब ऑडियो प्रोडक्ट्स की बात चल रही है ना गाइस, इससे मिलो। ये जो है रेडमी के सोनिक बेस वायरलेस एयरफोन्स है और ये नेक बैंड की तरह काम करता है। देखो ये ऐसे लग जाता है। और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं है, बट 1,300 रुपये इसका प्राइस है और उसके हिसाब से ये बिल्कुल सील पैक हो जाते हैं, मतलब आपको आसपास की आवाज़ बहुत ही कम आती है। तो ये मुझे सच में साउंड भी इसकी बहुत अच्छी लगी और कुछ कुछ अच्छे फीचर्स भी लेके आता है। इनफैक्ट इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग मैं बोलूँगा प्राइस को देखते हुए, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ रेडमी की तरफ से। एक लास्ट एक और दिखा देता हूँ, ये रेडमी की एयरफोन्स और आते हैं और ये सिर्फ 400 रुपये के है। और 400 रुपये के हिसाब से मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये टू गुड है भाई। कई बार लगता है कि भाई गलती से मिसप्रिंट हो गया है, मैं बोल सकता हूँ इसका बेस भी बहुत ओके है, वोकल्स भी ठीक प्रोसेस कर लेता है, बस ये है कि आपके फ़ोन में हेडफोन जैक होना चाहिए, तो ये साथ में जो है 3.5 हेडफोन जैक के साथ आते हैं, तो ये भी आप 100% चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सुपर हॉट प्रोडक्ट है,
थोड़ा सा हैवी है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। गाइज ये जो है आपके घर की सफाई करेगा, आप इससे पोछा मरवा सकते हो, झाड़ू मरवा सकते हो, वैक्यूम हो जाता है अगर कारपेट फ्लोरिंग है तो इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चीज़ लगी मेरे को। लेकिन इसका जो प्राइस है, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हो तो गाइज एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक जनरल सफाई होती है ना घर में, हर टाइम सफाई रहे, वो इसके थ्रू 100% पॉसिबल है। सबसे मजेदार बात पता मुझे इसकी क्या लगती है कि ये पूरे घर में जो है वैक्यूम है, फिर मतलब मैं स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, कारपेट हर जगह पे, सारी जगह पे वैक्यूम करके खुद चार्जिंग पे लग जाता है। जब भी मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना, मुझे सुपर स्मार्ट चीज लगती है। तो ये मेरा फेवरेट गैजेट है यार। एक गैजेट जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि 2020 से लेके 21 तक मैंने सबसे ज़्यादा टेक गैजेट कौन सा यूज़ किया है, तो वो होगा मी सोप डिस्पेंसर। 1000 रुपये का आता है गाइज ये। मेरे पास घर पे 3 रखे हैं, ऑफिस में 2 है, और मेरा जो है लाइक 1 महीना चल जाता है ये, और मुझे सुपर स्मार्ट चीज़ लगी और फेवरेट मैं इसको बोल सकता हूँ। बस एक बात है, जैसे ये ख़त्म हो जाता है ना, तो ये बॉटल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेस्ट है एनवायरनमेंट में। आई होप यार Xiaomi कुछ ऐसा करे कि भाई बंदे जो है Xiaomi को बेच सके और इसको रिसाइकिल कर सके, तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इन शॉर्ट ये मेरा फेवरेट गैजेट है और मस्ट है वे, कोविड के टाइम पे तो आपको लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट ना Xiaomi की टूल किट दिखाना चाहूंगा मैं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। ये पूरी जो है पावर बैंक के फॉर्म में आती है, एल्यूमिनियम है गाइस, ये काफी ज्यादा हैवी है, और यहां से ऐसी क्लिक होती है और ये पूरा ऐसे खुल जाता है। लाइक इसके अंदर सारे स्क्रू ड्राइवर्स है, और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये सुपर हेल्पफुल चीज है अगर आप जो हो कोई भी गैजेट खोलते हो या फिर इन जनरल आपको स्क्रू ड्राइवर की नीड पड़ती है। ये टू गुड है यार, काफी ज्यादा सॉलिड बिल्ट है इसकी और प्रीमियम फील होता है, लाइक एक अच्छी चीज है, आप रख सकते हो मतलब घर में। अब बहुत देर हो गई, अब मैं कुछ मसालेदार आप लोग को दिखाता हूँ जिसके बारे में बुराई करना चाहता हूँ। ये 2500 रुपए का स्मार्ट लाइट है जो कि बेड साइड के लिए है। एक बात बताऊं, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन जो है अपने बेड साइड में लाइट रखना चाहता है। थोड़ी बहुत भी डिम कर सकते हो आप, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। मैं मानता हूँ किड्स के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़, तो मे बी ये चीज़ यूज़ हो जाए, बट मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर जैसे जो मेरा यूज़ केस है वहाँ पर एक कहीं पे भी फिट नहीं हुई 2500 रुपये की लाइट, इसको मैं यूज़ नहीं करता। और अगर स्मार्ट लाइट चाहिए हो ना, तो इस मी स्मार्ट बल्ब को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, 500 रुपये का ये आता है। और अगर आपके घर में एलेक्सा है या फिर गूगल असिस्टेंट है तो आप इसको कनेक्ट करो और आप बोल की लाइट को स्विच ऑफ या ऑन करवा सकते हो। इंटेंसिटी, कलर्स वगैरह, वो बहुत तरीके के बल्ब आते हैं मार्केट में, बट मुझे ये वाला स्मार्ट बल्ब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये प्राइस भी ठीक है इसका। और नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ मी स्मार्ट वॉच रिवॉल्व है, ये 10000 रुपये की आती है और मेरे पास ये ब्लू स्ट्रैप में है, काफ़ी शाइनी मटेरियल यूज़ कर रखा है और सर्कुलर डायल है इसका, बहुत ही मैनली लुक देता है और ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक है इसका। मुझे ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिज़ाइन वाइज, लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करूँ ना, जो भी 10000 की वॉच आ रही है ना आजकल, वो सिर्फ आपको नोटिफाई कर सकती है कि आपके मैसेजेस आए हैं, तो वो एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। लेकिन अगर मैं जैसे कॉल उठाने की बात करूँ या फिर और किस चीज की बात करूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रॉपर स्मार्ट वॉच नहीं है। तब ऐसा लगता है कि भाई 15-16000 रुपए लगा के ओप्पो वॉच ले लो, वो सब कुछ दे देती है, तो वो ज्यादा स्मार्ट सा ऑप्शन लगता है मेरे को। बट हाँ, अगर किसी का बजट 10000 है तो भाई ये एक अच्छा ऑप्शन है, काफी मैनली लुक 100% देता है। अब रेडमी वॉच को मैं नहीं भूलने वाला, ये 4000 रुपए की आती है। और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं कि दिखने में वॉच फिर से अच्छी है, बट अगर इसको एक्सप्लेन करना हो ना, तो जो मी के बैंड आते हैं ना, उसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दो और इसके अंदर जो है थोड़ी बहुत सेंसर ऐड कर दो, तो ये रेडमी वॉच बन जाएगी। तो इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके अंदर SPO2 सेंसर नहीं है, जो कि आज के टाइम पे मस्ट हैव है। लेकिन इसके अंदर GPS है, अगर आप लोग जो है रन करने बहुत ज़्यादा जाते हो तो आपको मतलब फ़ोन साथ लेके जाने की नीड नहीं पड़ेगी। बट हाँ यार, मतलब मैं कहूँगा कि इतना रिकमेंडेड प्रोडक्ट ये नहीं है। और लास्ट चीज़ को मैं पेयरअप करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है फ़ोन्स है जो कि मी 11 सीरीज़ के अभी लेटेस्ट आए हैं, इनको मैं बोल सकता हूँ अच्छे हैं। आपको मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप खरीद सकते हो, अच्छे फ़ोन बना दिए, काफ़ी से इम्प्रूवड है। साथ में इन फोन्स के नए 67 वॉट की आप चार्जर भी खरीद सकते हो, मतलब इन फोन के नहीं, मी 11 अल्ट्रा के साथ मैंने इसको टेस्ट किया था, 50 मिनट में इसने 5000 mAh बैटरी को चार्ज कर दिया था 0 से 100%, जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड माने जाते हैं और ये फोन को सच में बहुत जल्दी चार्ज करता है। अगर आप Xiaomi का मी 11 अल्ट्रा लेते हो तो इसको चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है, आपको जो अभी सेकेंड पार्ट
होपफुली मैं बहुत ही जल्दी दे दूंगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताओ आप और क्या क्या जानना चाहते हो, मैं सब खरीद के आप लोग के आगे रख दूंगा और ऑब्वियसली यूज़ भी करके बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।